हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंग्लो स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हेल्प करेंगे आपकी आने वाले मल्टीपल एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज विनोद कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 2, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज अजीत कुमार मोहंती। क्वेश्चन नंबर 3, ICC के चेयरमैन कौन हैं? शशांक मनोहर। क्वेश्चन नंबर 4, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर कौन है? आंसर इज गौरी सावंत। क्वेश्चन नंबर 5, नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज करमवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज अश्विन लोहानी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? ग्राहम रीड। क्वेश्चन नंबर 9, UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 10, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन नियुक्त किया गया है? आंसर इज राजीव महर्षि। क्वेश्चन नंबर 11, फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया है? आंसर इज प्रफुल्ल पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, CBI के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज ऋषि कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज डेविस मलपास। क्वेश्चन नंबर 14, FTII के अध्यक्ष कौन हैं? विजेंद्र पाल सिंह। यहाँ हम देख लेते हैं FTII की फुल फॉर्म। तो FTII की फुल फॉर्म हो जाएगी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये इसका जो फाउंडेशन है वो पुणे शहर में हुआ था। अध्यक्ष इसके विजेंद्र पाल सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? भगवान लाल साहनी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? अजय नारायण झा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आंसर इज जस्टिस रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? आंसर इज अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आंसर इज KK वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आंसर इज KC1। यहाँ अपन देख लेते हैं इसरो की फुल फॉर्म। तो इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आंसर इज सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज MR कुमार। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारतीय महिला की क्रिकेट टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज UKRI वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 24, INTBP के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज SS देशवाल। यहाँ अपन देख लेते हैं ITBP की फुल फॉर्म। तो ITBP की फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, DRDO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर इज जी सतीश रेड्डी। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज गीता गोपीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारत में NGT के अध्यक्ष कौन हैं? तो NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 28,
हाल ही में आईसीसी के नए सीईओ कौन है? आंसर इज मनु साहनी। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज केशव मुरुगेश। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में बीओबी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज हंसमुख आंधिया। क्वेश्चन नंबर 31, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। यहाँ अपन देख लेते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जून 2015 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार हैं और सीईओ इसके अमिताभ कांत हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में कोलकाता एससी के नए सीजे कौन है? टीबीएन राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसी ट्रांसजेंडर महिला को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? आंसर इज अप्सरा रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है? आंसर इज राजीव जैन। थैंक यू। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।